तो यार अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा ना, आपका काम तो बहुत इजी हो जाएगा। प्लस भाई अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना ना, तो आपके लिए भी मैं लैपटॉप बताने वाला हूं जो अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2 लाख है, हम इस बजट रेंज की बात करेंगे। एंड अगर आपका बजट 90,000 से कम है, मैंने पहले ही उसकी वीडियो किया, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। इस प्राइस रेंज में मैंने रखे हैं भाई 2 लैपटॉप। अगर आपको एक सिंपल डिज़ाइन चाहिए, उसके साथ साथ आपको स्पेसिफिकेशन लोडेड चाहिए, मैं आपके लिए लैपटॉप बताऊंगा। उसके साथ भाई अगर आपको लाइक स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, ऑफिस वर्क के लिए भी चाहिए, मैं आपके लिए भी बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है HP ओमेन को। तो भाई अगर आपको एक सिंपल डिज़ाइन के साथ साथ, आपको मतलब इतना भी सिंपल डिज़ाइन नहीं है यार इसका, आपको सिंपल डिज़ाइन के साथ साथ अगर आपको यार स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड लैपटॉप चाहिए, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकती है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसमें आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत तगड़ी है, आपको विंडो 10 देखने को मिल जाती है लेटेस्ट वर्जन के साथ। उसमें आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी देखने को मिल जाएगा, प्रोसेसर भी बहुत तगड़े मिलेंगे, 10th जनरेशन के साथ दोनों ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें, अगर आपने ऑफिस वर्क में काम करना, कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना या कोई लोडेड फाइल पे काम करना, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट है। उसके साथ साथ अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लेना है, एनिमेशन के लिए लेना है, फोटो एडिटिंग करनी है, आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकती है। अभी नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पर यार मैंने रखी है ASUS ROG Zephyrus G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करो, आपको एक स्टाइलिश डिजाइन मिल जाता है। तो भाई अगर आपको एक स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, ऑफिस वर्क में भी आप इसको यूज कर सकते हो, एज अ क्रिएटर भी यूज कर सकते हो, एज अ डेवलपर भी यूज कर सकते हो, एज अ गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस इसमें बैक साइड में ना आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके स्पेसिफिकेशन पूरे लोडेड मिल जाते हैं, आपको RTX ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको GTX ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको Ryzen 5 भी मिल जाएगा, आपको Ryzen 7 भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसके लाइक, इसमें आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, इसमें आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। इसका बजट रेंज की बात करूँ, ये 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, 2 लाख के बजट तक चल जाता है। आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिया, दोनों लैपटॉप बहुत ज़्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख लेना, जो भी आपको पसंद आता है आप ले सकते हो। प्लस आपको ये दोनों पसंद अगर नहीं आते तो कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है यार, मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको बजट 90,000 से लेके 1 लाख तक भी हो जाता है ना यार, इस बजट रेंज में मैंने आपको 4-5 लिंक दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लेना। तो आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में यार मैंने फिर से रखे हैं 2 लैपटॉप। ये दोनों लैपटॉप बहुत प्रीमियम टच देने वाले हैं, बहुत क्लासी टच देने वाले हैं। तो भाई अगर आपको एक डिज़ाइन भी मैटर करता है, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी लोडेड चाहिए, ये दोनों लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 की, एंड मैं बात करूँ HP स्पेक्ट्रैक्स 360 की। ये दोनों लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही हैं, बहुत ज़्यादा अपर हैं। मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 की, तो ये 2-in-1 लैपटॉप है। प्लस इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं, आप एज अ लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो, एज अ टैब भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम तक भी मिल जाएगी, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको 6GB ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं HP स्पेक्ट्रैक्स 360 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो भाई अगर आपने एज अ क्रिएटर यूज़ करना है, एज अ डेवलपर यूज़ करना है, प्लस उसके साथ साथ भाई अगर आपने ऑफिस वर्क में यूज करना है, एज अकाउंटिंग करते हो, तो आपके लिए भी ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकती है। एंड इसमें आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है। उसके बाद ये 360 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है, इसके प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स की बता दिए, तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है आप उसके और जा सकते हो। अगर मैं होता तो भाई मैं जाता HP स्पेक्ट्रैक्स 360 की, और बिकॉज मुझे उसके स्पेसिफिकेशन एंड उसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा सही देखने को मिलता है, एंड उसके 2 कलर्स आते हैं, दोनों कलर्स को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपको बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। वही अगर आपको बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस बजट रेंज में, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है एप्पल मैकबुक प्रो या एप्पल मैकबुक 13, दोनों में से जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है। तो भाई अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कोई लोडेड फाइल पर काम करना है,
करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, 16GB रैम आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हो वो स्मूथली आपका रन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लॉन्ग टाइम पीरियड लैपटॉप को यूज कर सकोगे। मैं बस इतना आपको कहना चाहता हूँ। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए, दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है आप उसके और जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप्स बता दिए, तो भाई अगर आप ऑफिस वर्क में काम करते हो, अकाउंटिंग करते हो, उसके बाद एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, इनमें से कोई भी लैपटॉप ले लो, आपके पैसे खराब नहीं होने वाले, आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मैं आपको डीपली नहीं बताया बिकॉज मेरी वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, तो यार लोग बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट वगैरह करते हैं कि यार आप जल्दी बताया करो, आपकी वीडियो का लेंथ ज़्यादा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो मैं कम करने की ट्राई करता हूँ। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर आपने अपना भी पीसी बिल्ड करना है उसका भी मैंने आपको सभी लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप लेना चाहते हो या करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को बता सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चैनल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।